दलेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने NH 139 के झारखंड से पटना की ओर जा रही वाहन से शराब बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। इस दौरान 5000 लीटर देशी शराब बरामद किया गया। वहीं सब इंस्पेक्टर ने बताया कि चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। झारखंड के लातेहार जिला के बरवाडी में एक 20 साल की युवती का शव बरामद किया गया। वहीं शव की पहचान अमडीहा गांव की रहने वाली सोनी कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले में शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतका के पैर में कई जगह कटे के निशान भी पाए गए हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। अरवल जिले के बिगहा गांव के पास NH 139 पर दो वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद चावल से लदा हुआ पिकअप एक घर में घुसकर पलट गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिकअप पर लदा हुआ चावल जन वितरण प्रणाली की संपत्ति है, जिसे कालाबाजारी के लिए किसी अन्य जगह भेजा जा रहा था। वहीं इस घटना के बाद चालक और उप चालक फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दानापुर के खगौल में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिसके बाद युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृत युवक की पहचान फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के निवासी अर्जुन सिंह के पुत्र राहुल राज के रूप में हुई है, जो अपनी बहन से मिलने आया था। घटना के बाद परिजनों ने दानापुर खगौल मार्ग को जाम कर ट्रक चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को आश्वासन देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दानापुर में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला गोला रोड स्थित बंधु गार्डन का है, जहां IGIMS के रिटायर अकाउंट ऑफिसर के फ्लैट में लाखों रुपए की चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक अपने रिश्तेदार के घर गए थे। इस दौरान चोरों ने उनके फ्लैट से रखे गहने, कपड़े सहित अन्य सामानों की चोरी कर ली। इस घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बस 3 बजे हम पहुंचे हैं तो देखे कि रूम का गेट खुला हुआ है। जब अंदर आए तो हमने देखा कि अलमारी गोदरेज करीब 8 ताला उसने तोड़ा है। हर रूम का ताला था, सामने में 4 ताले, और हर रूम का गोदरेज का तोड़ करके और हर रूम का उसने अलमीरा को। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र के शिकारपुर गांव में गैस रिसाव होने से 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। बताया जा रहा है कि तीनों को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां तीनों की इलाज चल रही है। इसमें शिकारपुर गांव थाना शिकारपुर या शिकारपुर गांव दीवान जी का शिकारपुर, वहीं पर किसी घर में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। इनका नाम है नृपेंद्र राय, शिल्पी कुमारी और प्रगति देवी। ये लोग यहाँ लाए गए अपने वाहन से। प्राथमिक उपचार करने के बाद इनको अग्रेतर इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया। गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में 11 मार्च को नीतीश कुमार नाम के युवक का अपहरण कर लिया गया था, जिसे पुलिस ने मुक्त करवा लिया है। इस घटना की जानकारी देते हुए SP आदित्य कुमार ने बताया कि युवक को अपने ही दोस्त ने अपहरण करने का प्लान बनाया। इसके बाद उसका दोस्त युवक के पिता से अपहरण की एवज में मोटी रकम की मांग की। वहीं घटना की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से छानबीन करते हुए अपहरण करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में शामिल अपराधियों की तलाश जारी है। 5 बजे
सूचना प्राप्त हुई कि 11 तारीख को 5 बजे के आसपास डगरा से एक नीतीश कुमार नाम के लड़के की का अपहरण कर लिया गया है, जिसके क्रम और उससे रंगदारी मांगी जा रही है, जिस क्रम में अविलंब कार्रवाई करते हुए सबसे पहले अज्ञात के विरुद्ध एक FIR दर्ज की गई और किडनैप्ड आदमी के को बरामद करने के लिए। लातेहार जिला के बालूमाथ वन क्षेत्र के लिबराही गांव में लगभग 10 एकड़ की जमीन पर अफीम की खेती लहलहा रही है। बता दें कि अफीम वो जहर है जिसके सेवन से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, जिसकी खेती नहीं करने के लिए किसानों को जागरूक किया जाता है, लेकिन फिर भी इस गांव में अफीम की खेती धड़ल्ले से चल रही है। बता दें कि इस क्षेत्र में सालों से अफीम की खेती चल रही है, लेकिन संबंधित विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरायकेला जिला के चांडिल थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां NH 33 के सहरबेड़ा पुल पर बाइक सवार अनियंत्रित होकर पुल से 40 फीट नीचे गिर गया, जिसके लोगों ने आनन फानन में दोनों को पुल से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। सोमवार से 2 दिनों तक बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। सरकार की ओर से बैंकों का निजीकरण किए जाने के फैसले के विरोध में बैंक कर्मियों ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया है। बैंक कर्मियों के हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिलेगा। इस दौरान ATM सेवा भी प्रभावित रहेगी। बिहार के कुछ वामपंथी दल और श्रमिक संगठन ने बैंक कर्मियों के हड़ताल का समर्थन किया है। इसको लेकर वे रेलवे जंक्शन और बैंक के बाहर निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।